एक्चुअली ऑफर चल रहा था, ऑफर मतलब बहती हुई गंगा में हम लोगों ने हाथ धो लिया आज। अब हाथ कितना धुला है वो बाद में पता चलेगा। Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. अभी मैं मेट्रो स्टेशन में बैठी हुई हूँ, सौरभ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली मैं तो जा रही थी पर सौरभ का कॉल आ गया और वो बोल रहा है कि वो इसी मेट्रो स्टेशन के पास है, तो मैंने कहा कि चलो यहीं पे मैं उतर जाती हूँ, तुम आ जाओ, फिर दोनों फिर से साथ में चलेंगे। कल मैंने दिखाया था ना कि मुझे वो एक्सचेंज करने के लिए जाना है, तो अभी उसी के लिए जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, कुछ सोचेंगे, थोड़ा घूम फिर के घर लौटेंगे। क्योंकि मैं लेट आया हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग ही हो नहीं, एक नहीं ऑन हो लो। मैं बोल रहा हूँ इतना रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, लोगों को मत बताओ चीक चीक के कि मैं लेट आया हूँ। उतना भी लेट नहीं हुए हो, ठीक है। अभी अभी रुके तुम? नहीं, दो मेट्रो चली गई है ऑलरेडी। चली गई? आज आए हैं एक्सचेंज करने, शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था लेकिन शॉपिंग हो गई है, बड़ी शॉपिंग हो गई। दो हाँ, घर जाके दिखाएंगे क्या लिया है। एक्चुअली ऑफर चल रहा था, ऑफर मतलब बहती हुई गंगा में हम लोगों ने हाथ धो लिया आज। अब हाथ कितना धुला है वो बाद में पता चलेगा। और दो दिन ही उसके बाद ख़त्म, और किसी भी आउटलेट में नहीं है। ये बर्जुमान मॉल में जो स्टीव क्या है ब्रांड में बार बार भूल जाती हूँ, स्टीव मैडन, हाँ स्टीव मैडन जो है वहीं पे चल रहा है ये वाला ऑफर। तो बस और दो दिन का ऑफर है, ऑलमोस्ट सब बिक गया, सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। और तो अभी हम दोनों को ना थोड़ा सा भूख लग गई है, सोच रहे हैं कि होमबॉक्स जाने से पहले हम लोग कुछ खा लें, उसके बाद देखते हैं, फिर होमबॉक्स जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाना होता है वो तो बस टाइम ही बताएगा।
चलते 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 ही जाना है, अभी तक फूड कोर्ट पहुंचे नहीं है, कब से चल ही रहे हैं हम दोनों। हाँ, फूड कोर्ट जाने से पहले हम लोग फिर से पैने मिनट्स घुस गए थे। हम लोगों के साथ ये बहुत होता है, मतलब जाते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और। अरे वाह, वहाँ जो कितने अच्छे बलून्स लगे हैं। नॉट बलून्स, किसको क्या बोलते हैं इसको? बलून्स ही बोलते हैं, हॉट बलून्स। हॉट बलून्स। सामान उठाते उठाते इसके बाल देखो क्या हाल है, दुखियारी बेचारी। नहीं अभी मैंने मास्क उतारा ना, तो मतलब ये कान के पीछे से ये बाल निकल आए। ओके गाइस, अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए और मैं ये सामान दिखा देती हूँ। ओके, ये किस किस बात के लिए था? तो ये रहा हमारा सारा सामान, यहाँ पे मैंने आके बस ऐसे रख दिया है। आज हम लोग गए थे बस वो एक्सचेंज करने, जो मैंने ऑयल का जार लिया था ना वो, और जाके और भी ज्यादा शॉपिंग करके आ गए। सबसे पहले तो एक्सचेंज करके उसके बदले हमने ये एक बोल लिया है और ये एक कटलरी होल्डर लिया है, ये और एक ये ट्रे लिया है। तो होम बॉक्स से एक्सचेंज करना था वहाँ से ये तीन, और फिर जहाँ पे हम गए थे होम बॉक्स में उसी के नीचे ही है सेंटर पॉइंट, सब साथ में ही है, तो वहाँ से हमने ये वाला ट्रे लिया है। दिवाली आ रही है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना गोल्डन कलर में एक ट्रे लिया जाए। ये पता नहीं किस मटेरियल का है, देख के तो ब्रास जैसा लग रहा है और काफी हैवी है, और इसमें ना ये देखिए ऐसा बर्ड बना हुआ है हैंडल के ऊपर, ऐसे ऐसे बर्ड्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। ये मतलब एक नज़र में पसंद आ गया हम दोनों को। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको ले या ना ले, फिर बाद में सोचा चलो ले लेते हैं, पसंद की कोई कीमत नहीं होती। और हम लोगों ने कहा था ना कि ऑफर चल रहा है स्टीव मैडन पे, तो वहाँ से सौरभ ने ये शू लिया है, वो भी ऑफिस वाला ही शू है। सौरभ कह रहा था कि मुझे कपड़े वपड़े कुछ नहीं चाहिए पूजा में, मैं जूता लूंगा।
और वो भी ये ऑफिस वाला शू लिया। कुछ ऐसा जूता लेता जो नॉर्मली जब हम दोनों ऐसे ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तब पहनने के लिए, ऐसा कुछ वैसा कुछ उसको नहीं लेना था, उसको ये ऑफिस शू ही चाहिए था। तो मैं कह रही थी कि ये तो तुम्हारा ऑफिस वाला हुआ, ये फिर पूजा का कहाँ हुआ? वो कह रहा है नहीं यही मेरा पूजा का है। अब मैंने आज उसको कपड़े लेने के लिए भी बहुत बोला पर उसने लिया नहीं। और मैंने ये वाला बैग लिया है, मैं बहुत सोच रही थी ये लूँ या ना लूँ, इस टाइप का बैग तो मैं उतना यूज़ भी नहीं करती। फिर सौरभ ने कहा ले लो, ट्राई करके देखो तुम्हें कैसा लगता है। सौरभ ने कहा कि तुम अगर नॉर्मली इसको यूज़ ना भी करो, हम लोग कहीं ट्रैवल के लिए जाएंगे या फिर इंडिया जाते वक्त, तब तुम इसको यूज़ कर पाओगी। तो बस ले लिया, और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा इसलिए। ये भी वही स्टीव से लिया है। पीछे हमारे बनीस इनको तो अभी लॉक करके रखा है, अभी मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी और मुझे फ्रेश भी होना है। इन्हें पता है कि अभी मैं इन्हें छोड़ने वाली हूँ, तो इसीलिए ऐसे ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं कि हाँ अभी खोल दो, हम लोग थोड़ा बाहर घूमेंगे। रुक जा मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद खोलूंगी, अभी नहीं, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ ना, मुझे पहले फ्रेश होना है। मैं इन लोगों को खोल दूंगी तो ये बाहर आके मेरे ऊपर चढ़ने लगेंगे, और ऐसे बाहर से आके मैं नहीं चाहती ये मेरे ऊपर आए। सो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।